टू माई YouTube चैनल बेस्ट प्रोजेक्ट। आज हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है IoT बेस्ड सोलर पावर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसा कि आज हम सब एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत परेशान है, जिसके लिए हम पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके शामिल है। सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन स्विच से। यहाँ हमने मेन स्विच को प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया है, जिसके लिए टॉगल स्विच का यूज किया है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, जिससे हम सोलर पैनल के वोल्टेज को 12 से 5 वोल्ट पर स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि हमारा आर्डुइनो नैनो LCD सभी कंपोनेंट्स 5 वोल्ट पर काम करते हैं और इससे ओवरकरंट और वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद LCD को आप देख सकते हैं, यहाँ हमने LCD को वोल्टेज करंट और वॉट्स को मॉनिटर करने के लिए लगाया है और आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इस सर्कुलर नॉब की मदद से हम स्क्रीन कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। 16:2 LCD में ये नॉब कंपलसरी होता है, वरना आप स्क्रीन पर कैरेक्टर नहीं देख सकेंगे। तो अब हम बात करेंगे करंट सेंसर की। जैसा के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इससे हम करंट को मेजर करेंगे। यहाँ हमने ACS 712 करंट सेंसर का यूज किया है, जिसकी रेंज 20 एम्पियर है। जो सोलर पैनल वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहां वोल्टेज डिवाइडर का यूज करेंगे। आर्डुइनो एनालॉग चैनल से हम मैक्सिमम 5 वॉट ही मेजर कर सकते हैं। अगर 5 वॉट से ज्यादा वोल्टेज को मेजर करना हो तो हमें वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज करना होता है। प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हम यहां आर्डुइनो नैनो का इस्तेमाल करेंगे, जो LCD करंट सेंसर वोल्टेज डिवाइडर को रन करेगा और साथ ही साथ हमारे वाईफाई बोर्ड से भी सीरियल कम्युनिकेट करेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है NodeMCU। जैसा कि हम इस प्रोजेक्ट को IoT फीचर देने वाले हैं, जिसके लिए हमें वाईफाई या इंटरनेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ताकि हम पैरामीटर्स को ऑनलाइन मॉनिटर कर सके। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए इस डिवाइस को लगाया गया है। लोड स्विच की मदद से हम हमारे सोलर लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेन स्विच के ऊपर और नीचे जो कनेक्ट है आप देख रहे हैं, वहां से हम सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे। लोड स्विच के ऊपर नीचे लगे कनेक्टर से हम सोलर लोड को कनेक्ट करेंगे। सप्लाई के लिए हम 9 वॉट 3 वॉट के 4 सोलर पैनल्स को यूज करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी पैनल्स को एक साथ पैरेलल में जोड़ा गया है, जो मिलकर 12 वॉट पावर जनरेट करेगा। इन सभी पैनल्स को हम हमारे मॉनिटरिंग पैनल से जोड़ देंगे। इस तरह से हमने सोलर पैनल को सनलाइट में रखा है, फिर हम इसे मॉनिटरिंग पैनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, इसके बाद स्टूडेंट्स का नाम आएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज करते हैं तो आपका नाम भी लिख कर दिया जाएगा। ये 3 पैरामीटर्स स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, जैसा कि करंट और वॉट 0 है, क्योंकि अभी हमने लोड नहीं लगाया है। इस इनकैंडेसेंट बल्ब को हम लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए लोड को पैनल से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम मॉनिटरिंग पैनल को NodeMCU की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ताकि हम पैरामीटर्स को ऑनलाइन मॉनिटर कर सके। इसके लिए हम मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, NodeMCU कनेक्ट हो चुका है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आर्डुइनो और NodeMCU के बीच सीरियल कम्युनिकेशन शुरू हो गया है, जो इन LED के एक साथ जलने से पता चलता है। ऑनलाइन IoT प्लेटफॉर्म को ऐसे विजिट करते हैं।
टाइप कीजिए Adafruit.io और सर्च करें। पेज खोलने पर इस पहली लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहां क्लिक करेंगे। पेज साइन अप करने के बाद ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। आसानी से समझने के लिए हम इसे फुल स्क्रीन मोड पर सेट कर लेते हैं। चलिए इसको फाइनल टेस्ट करते हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन सही से मॉनिटर कर रहा है या नहीं। सीधे हाथ की जानिब हमें लाइव वैल्यू को शो कर रहा है और उल्टे हाथ की जानिब उसी वैल्यू का ग्राफ बन रहा है। जैसा कि आप लैपटॉप और पैनल स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनेट के जरिए लैपटॉप स्क्रीन पर और पैनल LCD पर सेम वोल्टेज, करंट और वॉट को शो कर रहा है। अब हम लोड को ऑफ करके देखते हैं कि करंट और वोल्टेज में तब्दीली आती है या नहीं। जैसे ही पैनल पर वोल्टेज, करंट और वॉट चेंज हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही Adafruit वेबसाइट पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। बैक साइड से हमारा पैनल कुछ इस तरह दिखाई देता है। LCD backside 5V supply junction Arduino Nano backside Node MCU backside Main switch backside Load switch backside Oh,